साथियों आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग बीजन आई कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई की सत्रहवीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक ए अर्थात एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो है वो सिंगापुर में आयोजित की गई तो सत्रहवीं जो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक है सिंगापुर में आयोजित की गई इस बैठक में एशिया प्रशांत और अरब देशों में श्रमिकों की घटती मजदूरी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाइयों पर चर्चा की गई बैठक में ऐसी रोजगार समृद्ध समृद्धि जॉब रिच ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर बल दिया गया है जो समावेशी और परिवर्तनकारी हों यह बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त होती है इस घोषणा में जो सिंगापुर घोषणा है इसके जो मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो समावेशी समृद्धि को बनाए रखने के लिए सामाजिक संवाद और श्रम बाजार आधारित संस्थानों को मजबूत किया जाए तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावी रूप से मान्यता देकर सभी के लिए श्रम सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए तीसरा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नेंस तंत्र को मजबूत किया जाए तथा सामाजिक व रोजगार संरक्षण तथा लचीलेपन की नींव को मजबूत किया जाए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल डिवाइस डिजिटल डिवाइड और आजीवन लर्निंग पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता वृद्धि तथा कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए अब श्रम क्षेत्र द्वारा जो सामना की सामना जो फेस की जाने वाली समस्याएं है उन समस्याओं की बात करें तो इसमें रोज़गार सुरक्षा का अभाव है कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है काम के घंटे और शोषण में वृद्धि होती रही है अमानवीय माहौल में कार्य करना पड़ता है तथा कार्यस्थल पर पैसे से जुड़े खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की कमी रहती है साथ ही मजदूरों में कौशल का अभाव भी एक बड़ी समस्या है ये कुछ जो हैं समस्याएं हैं जो श्रम क्षेत्र द्वारा फेस की जाती हैं भारत में श्रम सुरक्षा के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उनकी शुरू किए गए उनकी बात करें तो इसमें है असंगठित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो असंगठित क्षेत्र है इसके श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है तथा केंद्र सरकार ने 29 श्रम 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में विलय कर दिया है ये चार श्रम संहिताएं कौन सी हैं पहली है औद्योगिक संबंध संहिता दूसरी है सामाजिक सुरक्षा संहिता तीसरी है उपजीविका जन्य सुरक्षा और चौथा है स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता तथा तो वेतन संहिता ये आपका तीसरा जो है उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता है चौथा है वेतन संहिता आगे बात करते हैं विश्व बैंक ने इनवेलिंग इनवेलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया पर टूल किट लॉन्च किया है देखिए यह टूल किट जो है भारत में लैंगिक रूप से भेदभाव रहित शहरीगतशीलता और सार्वजनिक स्थलों के लिए नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में व्याप्त ज्ञान की कमी को दूर करेगा इसमें शहरी निकायों के लिए चार स्तंभों पर आधारित कार्यान्वयन ढांचे की सिफारिश की गई है अब ये चार स्तंभ कौन कौन से हैं पहला है जमीनी स्थिति का आंकलन दूसरा है योजना निर्माण और नीतियों की मजबूती तीसरा है क्षमता निर्माण एवं जागरूकता बढ़ाना और चौथा है अवसरचना व सेवाओं में सुधार तो सबसे पहले बात करते हैं जमीनी स्थिति के आकलन की तो इसमें क्या है मोबिलिटी पैटर्न में जेंडर संबंधी भेदों को समझना दूसरा सार्वजनिक परिवहन में और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं एवं खतरों को समझना तीसरा वर्तमान नीतियों विनियमों और कानूनी ढांचे में विद्वान कमियों की पहचान करना चौथा है संस्थागत क्षमताओं में कमियों की पहचान करना तथा लैंगिक रूप से भेदभाव रहित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रचलित मानसिकता का आकलन करना दूसरा जो स्तंभ है योजना निर्माण और नीतियों की मजबूती इसके तहत क्या है नई एवं मौजूदा नीतियों तथा योजनाओं में जेंडर संवेदना को समेकित करना दूसरा निर्णय प्रक्रिया और प्रमुख संस्थाओं को लैंगिक समावेशी बनाना तीसरा स्तंभ है क्षमता निर्माण एवं जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में इसमें क्या है ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अनिवार्य करना दूसरा जागरूकता बढ़ाने के लिए साहेदारी को प्रोत्साहन देना तथा तो अभियानों के माध्यम से सामुदायिक कार्रवाई को सक्षम करना चौथा इसका स्तंभ भैया पिलर है अवसरचना व सेवाओं में सुधार इसके तहत क्या है सार्वजनिक परिवहन और स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि करना दूसरा अवसरचना डिजाइन और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में जेंडर संवेदनशीलता का ध्यान रखना आगे इसमें देखते हैं इसमें अब देखते हैं कि लैंगिक रूप से भेदभाव रहित शहरी गतिशीलता की ज़रूरत क्यों है तो भारतीय शहरों में जरूरत इसलिए क्योंकि पहला पॉइंट है इसमें भारतीय शहरों में महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं 27.4 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में औसतन 45.4 फाइव प्रतिशत जो है पैदल चलकर काम पर जाती हैं इसलिए इन्हें सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता है दूसरा निम्न आय वर्ग वाले लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करते हैं तीसरा शहरी परिवहन प्रणालियों को अक्सर लैंगिक रूप से भेदभाव रहित पैटर्न में डिजाइन नहीं किया जाता है अगला पॉइंट है सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी की वजह से महिलाएं कार्य के बेहतर अवसरों से वंचित हो जाती हैं इस वजह से महिलाएं बाहर भी नहीं निकल पाती हैं यह ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करता है जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति को कम करता है तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से लैंगिक रूप से भेदभाव रहित तो शहरी गतिशीलता या शहरी मोबिलिटी की आवश्यकता है अब बात करते हैं लैंगिक रूप से भेदभाव रहित तो शहरी गतिशीलता के लिए की गई जो पहले हैं या जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनमें है स्मार्ट शहरों के लिए एकीकृत सतत शहरी परिवहन प्रणाली स्मार्ट एस यू टू स्मार्ट सूट कह सकते हैं शुरू की गई स्मार्ट सूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर स्मार्ट सिटीज इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य परिवहन प्रणालियों में सुधार करना है साथ ही यह सामाजिक एवं लैंगिक समानता संसाधनों समाधानों को एकीकृत करने पर केंद्रित है दूसरा दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क कर दिया है तीसरा केरल में सभी महिलाओं के लिए सी टैक्सी कैब सेवा शुरू की गई है और सिफारिशें क्या की गई हैं इस जो टूल है डिजिटल टिकटिंग सिस्टम डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी पहले शुरू की जानी चाहिए दूसरा संकट में सतर्क करने के लिए टेक्स्ट आधारित एसओएस प्रणाली शुरू की जानी चाहिए साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए आगे बात करते हैं स्वच्छ गंगा मिशन ने अर्थ गंगा के तहत एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर, पर परियोजना की शुरुआत की है देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अर्थ गंगा के तहत समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर परियोजना शुरू की है इस परियोजना को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन एच ई एस सी ओ संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं इस परियोजना का उद्देश्य गंगा बेसिन में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है इस उद्देश्य की पूर्ति पारिस्थितिक पूर्व धारणाओं इकोलॉजिकल परसेप्शंस के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान द्वारा की जाएगी धा, पूर्व पूर्व धारणा धारणा सिद्धांत यह बताता है कि हमारे कार्य करने के तरीकों से हमारा पर्यावरण कैसे बदलता है इस परियोजना के तहत अर्थगंगा केंद्र अर्थगंगा केंद्र एजीसी और तीन गंगा संसाधन केंद्र जी गंगा रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे परियोजना के तहत चार राज्यों कौन कौन से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड में समुदायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं या प्रशिक्षण प्रशिक्षणों का आयोजन जो है ये गंगा संसाधन केंद्र गंगा रिसोर्स सेंटर केंद्रों के जरिए किया जाएगा अर्थगंगा परियोजना को पहली बार वर्ष दो में शुरू किया गया था इसका लक्ष्य नमामि गंगे से अर्थगंगा पर ध्यान केंद्रित करना है यह परियोजना यह परियोजना गंगा नदी संबंधित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के संधारणीय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अकेले गंगा बेसिन की आर्थिक गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम तीन प्रतिशत का योगदान हो अर्थगंगा के कुल चार कुल छह छे कार्य क्षेत्र कितने कुल छे कार्य क्षेत्र हैं पहला है शून्य बजट प्राकृतिक कृषि इसके तहत नदी के दोनों ओर दस किलोमीटर क्षेत्र में रसायन मुक्त खेती की जाएगी दूसरा तलछट और अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग पुनरुपयोग और मुद्रीकरण किया जाएगा तीसरा आजीविका के अवसर पैदा किए जाएंगे चौथा हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा चौथा गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और छठा है बेहतर जल गवर्नेंस के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ा को बढ़ाकर संस्थागत विकास बढ़ावा दिया जाएगा। अब तो पंजीकृत किया गया था इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प करना है दूसरा है दूसरा पॉइंट इसमें यह राष्ट्रीय गंगा नदी वे प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है राष्ट्रीय गंगा नदी वेषण प्राधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस के तहत गठित किया गया था आगे बात करते हैं हम लोग राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेशनल जुडिशियल कमीशन विधेयक 2022 पेश किया है यह किसने किया है माकपा के विधायक सॉरी माकपा के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस गैर सरकारी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के में नेशनल जुडिशियल कमीशन के गठन का प्रस्ताव किया गया है प्रस्तावित प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी विधेयक की विशेषताएं क्या है इसका उद्देश्य न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही के लिए प्रावधान करना है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करता है यह साथ ही ऐसी जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और निन्यानवेवें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था निन्यानवे संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र आयोग स्वतंत्र आयोग एन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था न्यायपालिका की प्रधानता को हटाकर संविधान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा एन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करना था अभी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती, होती है प्रणाली के माध्यम से होती है कॉलेजियम कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्चतर न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह करता है कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी हुई चिंताएं क्या यह है यह एक गैर पारदर्शी प्रणाली है क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय शामिल नहीं है इसमें पात्रता मानदंड तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्धारित नियम नहीं है कॉलेजियम की कार्यवाही कॉलेजियो कॉलेजियम की कार्रवाइयों का कोई आधिकारिक और लिखित विवरण नहीं होता है इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद उत्पन्न होता है साथ ही इसे न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया है गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य सर... 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 जो है वह सांसद होता है जो सरकार में मंत्री पद पर नहीं होता है मत... मतलब ऐसे जो भी विधेयक बिना जो मंत्रियों के द्वारा नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं इस विधेयक का प्रारूप तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है इसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए एक महीने पहले नोटिस देना होता है और ध्यान रखिएगा कि गैर सरकारी विधेयक सदन के में केवल शुक्रवार को प्रस्तुत किया किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और मानव सामाजिक कल्याण तथा विकास पर संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया है इस संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम विकास और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है साथ ही उनकी पीड़ाओं को कम करना और मनोसामाजिक कल्याण व जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी करना है डब्ल्यू के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का आशय मानसिक बेहतरी की उस अवस्था से है जो लोगों को जीवन के तनाव से निपटने अपनी क्षमताओं का एहसास करने अच्छी तरह से सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है यूनिसेफ के अनुसार लगभग 50 मिलियन लगभग 50 मिलियन भारतीय बच्चे मानसिक विकारों से पीड़ित हैं दुनिया के प्रत्येक दस बच्चों व किशोरों में से लगभग एक बच्चा और किशोर मानसिक विकार से पीड़ित है मानसिक तनाव के कुछ मुख्य कारण क्या हैं बाल विवाह और जल्दी व अवांछित गर्भधारण माता पिता से अलग होना गरीबी किसी लंबे स्वास्थ्य विकार से ग्रसित होना घरेलू हिंसा का पीड़ित होना इत्यादि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है मानसिक स्वास्थ्य पर नेतृत्व निवेश और समन्वय की कमी रही है वैश्विक स्तर पर मानसिक मानसिक स्वास्थ्य पर औसत सरकारी व्यय केवल टू पॉइंट वन प्रतिशत है टू पॉइंट वन प्रतिशत है वर्ष दो हज़ार बाईस में भारत के कुल स्वास्थ्य बजट का जीरो पॉइंट एट प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य के लिए निर्धारित किया गया था अग्रिम पंक्ति के पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं में क्षमता का अभाव है मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और पीड़ित व्यक्ति के परिवार द्वारा समाज में स्वयं को अपमानित महसूस करने की भावना का निवारण करने की ओर कम ध्यान दिया जाता है इसके संबंध में जो प्रमुख सुझाव हैं वो क्या हैं बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रशासन व समर्थन को मजबूत किया जाना चाहिए सेवाओं के वितरण और देखभाल प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए सूचना तंत्र साक्ष्य और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उनकी बात करते हैं तो गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तक लोगों की पहुँच में सुधार के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लागू किया गया आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी सदस्य पेश गैर सरकारी सदस्य विधेयक पेश किया गया यह विधेयक जो है बीजेपी के सांसद किरोणी लाल मीणा ने किरोणी लाल मीणा ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया है इस विधेयक में समान नागरिक संहिता तैयार करने तथा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जाँच समिति के गठन पर विचार विमर्श के गठन पर विमर्श का प्रावधान किया गया है इसका उद्देश्य अलग अलग धर्मों के व्यक्तिक कानून और पर्सनल लॉ को समाप्त करना है ये कानून वर्तमान में विविध धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को शासित करते हैं समान नागरिक संहिता से तात्पर ऐसा एकल कानून बनाना है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह तलाक अभिभावक अभिभावकत्व कस्टडी गोद लेने और विरासत मामलों में विरासत से जुड़े मामलों पर एक समान रूप से लागू हो समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो तर्क है वो क्या है देखिए इसका जो प्रावधान है किया गया है वो नीतिश सिद्धांत जो है या तत्व तो जो है संविधान में उसके तहत आर्टिकल फोर्टी फोर के तहत इसकी बात है इसके पक्ष में क्या तर्क है इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा या वर्तमान में धार्मिक विश्वासों के आधार पर बनाए गए अलग अलग कानूनों को सरल बनाएगी न्यायिक निर्णयों को लागू किया जा सकेगा का? व्यक्तिक कानून के कारण मोहम्मद अहमद खान बनाब साबानु बेगम अठारह सौ पचासी निर्णयों को लागू नहीं किया जा सकता लागू को लागू नहीं किया जा सका था इसी वजह से नहीं किया जा सका था लैंगिक न्याय की अवधारणा को मजबूती मजबूत करेगी क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक या प्रथागत व्यक्तिक कानून पुरुषों के पक्षपाती हैं इसके विपक्ष में क्या तर्क है व्यक्तिक कानून समवर्तित सूची का विषय है अतः इस पर कानून बनाना संसद का अनन क्षेत्राधिकार नहीं है यह अनुच्छेद पच्चीस इसमें क्या है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद उनतीस विशेष संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है कि भावनाओं के ख़िलाफ़ है और यह देश की विविधता के खिलाफ है अब जो संक्षिप्त करंट अफेयर उसको देखते हैं इसमें है अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं ये विधेयक चार राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किए गए इन विधेयकों ने संविधान के अनु संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं प्रमुख प्रावधान क्या है तमिलनाडु की नारी कोरवन नारी कोरवन और कुरविक्रण पहाड़ी जनजातियों को एस में सूचित करना एस सूची में कर्नाटक राज्य के बेट्टा कुरबा समुदाय को अब काडू कुरबा समुदाय के पर्याय के रूप में जाना जाएगा छत्तीसगढ़ की एस सूची के लिए पहले से ही वर्गीकृत भारिया भूमिया जनजाति भारिया भूमिया जनजाति के लिए देवनी देवनागरी लीप में कई पर्यावाची शामिल किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के हड्डी समुदाय को एस टी सूची में शामिल किया गया है आगे बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट योजना के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कर और केंद्रीय प्रभारों के मामलों की अनिवार्य जांच से संबंधित जानकारी फेसलेस असेसमेंट योजना देखिए नहीं एन ए एफ यह क्या है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को तब तक प्रसिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि मामले को ही स्थानांतरित नहीं किया जाता नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एन एक नोडल एजेंसी है यह नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर करदाता और कर विभाग के बीच संपर्क हेतु तो एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था यह योजना एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन को बढ़ावा देती है और भौतिक इंटरफेस को कम करती है इसके अतिरिक्त यह जवाबदेही को बढ़ाती है और टीम आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करती है शेयर बायबैक के बारे में बात करें शेयर बायबैक क्या होता है पेटीएम कोर से यह बताया गया कि वह अपने शेयरों को शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी जब कोई सूचीबद्ध कंपनी मौजूदा शेयर धारकों से अपने शेयर खरीदती तो इसे क्या कहते हैं शेयर बायबैक कहा जाता है इसे शेयर की पुनर्खरीद भी कहा जाता है एक बार हमने शेयर बेचा अपने फिर हम उन्हीं शेयरों को जिनको बेचे उसे खरीद रहे हैं इस प्रक्रिया के कारण कुछ अवधि के लिए खुले बाजार में शेयर बा, शेष शेयर शेयरों की, से, की संख्या कम हो जाती है किसी भी बायबैक की अधिकतम सीमा किसी कंपनी की चुकता पूंजी पेडअप कैपिटल और मुक्त आरक्षित निधियों फ्री रिजर्व्स के कुल योग का पच्चीस परसेंट या उससे कम होती है इसका लाभ क्या है इससे शेयर की कीमतों में वृद्धि होती है शेयर धारकों को इस प्रक्रिया से प्राप्त आय पर कर भुगतान से छूट प्राप्त होती है इत्यादि आगे बात करते हैं भारत में चयनित एम क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन परियोजना देखिए इस परियोजना की सफलता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में प्रदर्शित किया गया था इस परियोजना को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यू ने कार्यान्वित किया है वैश्विक पर्यावरण सुविधा जी ने इस परियोजना का वित्त पोषण किया है इसका उद्देश्य चयनित ऊर्जा गहन सूक्ष्म गहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता या ऊर्जा ऊर्जा दक्षता लाना और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए बाजार प्रणाली विकसित करना है इस परियोजना को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है आगे बात करते हैं आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन आई ओ एस सी ओ के बारे में तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों को गैर अनुपालनकर्ता विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने से प्रतिबंधित कर दिया है ठीक है वैकल्पिक निवेश कोषों को गैर अनुपालनकर्ता विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने से प्रतिबंधित कर दिया है सेबी के अनुसार विदेशी निवेशक को उस देश का निवासी होना चाहिए जिसका बाज़ार विनियामक या तो आईओ एस समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर करता हो या उसने सेविक साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है यह दुनिया के लिए दुनिया के प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर लाता है साथ ही यह प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानकों का निर्धारण करता है यह संगठन दुनिया के पंचानवे प्रतिशत से अधिक प्रतिभूति बाजारों का विनियमन करता है यह वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडे पर जी ट्वेंटी और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ काम करता है से भी आई ओ एस बोर्ड का सदस्य है यह बोर्ड आई ओ एस का शासी और मानक निर्धारण निकाय है आगे बात करते हैं हिमालय औषधि पादप प्रजातियों के बारे में देखिए तीन हिमालय औषधीय पादप प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन की रेड सूची में शामिल किया गया है कौन से हैं मोजी मोजोट्रोपिस पेलेटी क्रिटिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में या उत्तराखंड की स्थानिक पादप प्रजाति है इस पादप की पत्तियों से निकाले गए तेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं ये दवा उद्योगों में कृत्रिम एंटीऑक्सीडेंट के प्राकृतिक विकल्प विकल्प के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं दूसरा है फ्रीटी फ्रीटी लोरिया शिरोशा वॉलिबल कैटेगरी में है ये इस पादप का इस्तेमाल सूक्ष्मवाश नलिकाओं से जुड़े विकारों और निमोनिया के उपचार में किया जाता है तीसरा है डेक्टा, डेक्टाई लोरिया, डेक्टाई लोरिया हटा गिरिया एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इस पादप का इस्तेमाल बुखार खांसी आदि स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों में किया जाता है आगे बात करते हैं राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के बारे में तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह वह जो है राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले वाले सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए पैनल का गठन करें इससे पहले पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक निश्चित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया था ठीक है एस ई आई ए ए एस मतलब राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण व्यापक और सृचनात्मक विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु तो जिम्मेदार है यह जो राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरण लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना तथा उन्हें कम करने की कोशिश करना है अगला है कैक्टस नागफनी कैक्टस जो कि नागफनी होता है इसके पौधारोपण के बारे में प्लांटेशन के बारे में कैक्टस एक मरुद्भिद जीरोफाइट पौधा है यह पौधा मरुस्थल जैसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में उगता है इसकी विशेषताएं क्या है गुदेदार बारामासी पौधा है जल की कमी को रोकने के लिए इसमें क्यूटिकल नामक मोमयुक्त पदार्थ का आवरण होता है इसमें मोटा साकीय हार्वियशियस या काष्ठीय क्लोरोफिल युक्त तना होता है निम्नलिखित के कारण से ये अन्य गुदेदार पादपों से अलग होता है किसकी वजह से कैक्टस की सभी प्रजातियों में एरोल्स पाए जाते हैं ये उभरे हुए भाग होते हैं जिन पर ट्राइकोम पौधे के रेशे निकले होते हैं इनमें से कांटों से संरचनाएं बाहर निकली निकली होती हैं आगे बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2022 के बारे में इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने जारी किया है इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं अगले पांच वर्षों में होने वाले वैश्विक विद्युत क्षमता विस्तार में नब्बे हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का होगा इसका अधिकांश हिस्सा भारत में होगा देखिए नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित विद्युत क्षमता वर्ष 2022 और 2027 के बीच बढ़ करके चौबीस गीगावाट हो जाएगी इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2027 की अवधि में 145 गीगावाट के अतिरिक्त क्षमता के साथ भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग दोगुना कर ले लेगा इस वृद्धि में तीन चौथाई हिस्सा सौर फोटोबोल्टिक ऊर्जा का होगा इसके बाद अब तटीय ऑन पवन ऊर्जा का पंद्रह हिस्सा और शेष हिस्सा जल विद्युत का होगा आगे बात करते हैं एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब के बारे में इसका अनावरण मेघालय सरकार ने टेक ईगल नामक स्टार्टअप की साझेदारी में किया है इसका उद्देश्य राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में दवाओं नैदानिक नमूनों टीकों आदि की आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करना है यह कार्य एक समर्पित ड्रोन वितरण नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा इसका लाभ क्या है 2.7 मिलियन लोगों तक स्वास्थ्य सेवा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होगी दूरदस्ता की कमी उच्च वितरण लागत तो आदि की समस्या को दूर किया जा सकेगा ये इत्यादि कुछ इसके लाभ है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद